थानागाजी पुलिस थाने में सीओ आदित्य और थाना अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से सीएलजी सदस्यों, पुलिस महिला मित्रों, पुलिस सखी की बैठक ली, जिसमें कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए आमजन को जागरूक करने को कहा गया। साथ ही क्षेत्र में असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए अपराधों व अपराधियों की गुप्त सूचना देने के लिए पुलिस का सहयोग करने को भी कहा गया। बैठक में रीना शर्मा, शशि महेश, मथुरा प्रसाद सहित 2 दर्जन से अधिक लोगों ने भाग लिया। पुलिस स्टेशन पर एक सीएलजी की मीटिंग रखी गई। उस सीएलजी की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य तो ये था कि जो कोरोना के केसेस अभी हमारे राज्य में और इलाके में बढ़ रहे हैं, उन पर बहुत ज़्यादा केस बढ़ने से पहले ही किसी प्रकार का अंकुश और लगाम लगा लिया जाए। और हमने सभी को जागरूक किया। और इस सीएलजी मीटिंग का मुख्य पर्पस ये था कि जो सीएलजी के सदस्य हैं, जो कि बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ये सभी अपने इलाके में जाकर, अपने अपने प्रभाव के क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक करें और इस प्रकार की हमें मौका ही ना दें कि हम कोई सख्त कार्रवाई यहाँ की जनता के खिलाफ कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने की वजह से करें। हम नहीं चाहते जनता किसी प्रकार से परेशान हो और आगे भविष्य में केस बढ़ने की वजह से लॉकडाउन हो, जिसकी वजह से लोगों का आर्थिक नुकसान हो, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो। तो मुख्यतः मीटिंग का उद्देश्य यही था। उसके अलावा क्राइम से संबंधित यदि कोई भी सूचना हमारे इलाके से हमें प्राप्त होगी, जो कि आप निसंकोच और बिना किसी दबाव के हमें बताएं, उस पर तुरंत और त्वरित कार्रवाई का हमारा एक लक्ष्य रहेगा। और यदि पुलिस के खिलाफ कोई भी शिकायत है, यदि हमारे कर्मचारी या फिर पुलिसकर्मी के खिलाफ यदि आप कोई शिकायत है, तो मेरे ऑफिस में या फिर CI साहब बिल्कुल यहाँ पर मौजूद हैं, उन तक आप अपनी बात रखें, निसंकोच होकर रखें और आपकी कार्रवाई की आपकी बात पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।